खनिया थाना तहसील के ग्राम बुधौन राजापुर में आसपास के करीब 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने राजापुर चौराहे पर मुख्य राजमार्ग को जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजापुर में करीब 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से भी की और 181 पर भी की, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि लाइट न होने की वजह हम लोगों को करीब 20 किलोमीटर दूर गेहूं पिसवाने जाना पड़ता है और पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। साथ ही बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिवाली का त्योहार सर पर है, जिससे व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं। किसानों को भी फसल की बोवनी में परेशानी हो रही है। जब ग्रामीणों ने इस समस्या के बारे में जेई सुमित वर्मा से बात की तो जेई साहब का कहना था कि आप लोग बिल जमा करा दें और साथ में रिश्वत के 15,000 रूपए दे तो और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुख्य राजमार्ग खनियाधाना गुना शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक लोग चक्का जाम नहीं खोलेंगे, यह भी कहते हुए ग्रामीण दिखे। जैसे ही चक्का जाम की सूचना मायापुर थाना प्रभारी को लगी तो पुलिस मैदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी कि आप लोग चक्का जाम खोल दे, हम सभी मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, पर ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी सूचना मायापुर पुलिस ने विद्युत विभाग को दी तो विद्युत विभाग के सुपरवाइजर सुमित वर्मा एवं अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचने को कहा गया और विद्युत विभाग के आला अधिकारी लापरवाही करते हुए मौके पर घंटे बाद पहुंचे। इसके बाद मायापुर पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी तो ग्रामीणों ने चक्का जाम खोल दिया। फिलहाल विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई जारी है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है और रिश्वत के तौर पर सुपरवाइजर सुमित वर्मा के द्वारा 15,000 रूपए लिए जाते हैं या फिर ट्रांसफार्मर ऐसे ही बदल दिया जाता है, यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार लोधी। आपके गांव में लाइट की परेशानी है, आप बिजली बिल भी भर रहे हो और आपकी जो चौराहा है उस पर लाइट नहीं आ रही, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताओ। हाँ, मेरा श्रीमान जी से अतः निवेदन है कि हमारे ग्राम में करीब करीब 3-4 महीने से लाइट नहीं है, क्यों कि हम लोग पिसाने के लिए रन्नो या मायापुर जाते हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, हमारी औरतें पानी भरने के लिए कम से कम 1-2 किलोमीटर नदी तक जाती हैं। राजापुर बुधौन राजापुर ग्राम बस स्टैंड पर 24 घंटे कभी भी बिजली नहीं आती और 3 महीने से फुल डीपी खराब थी, एक पीस चल रहा था थोड़ा बहुत, तो अभी 1 महीने से खराब है और 1 महीना से अति खराब होने के कारण सब लोग परेशान हैं। सर पे दीपावली का त्योहार है। हाँ, मैंने 181 पे शिकायत दर्ज कराई थी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखो, कल तक का बताया है, 24 घंटा लेती है, मैंने कल ही की थी उस पे, और श्रीमान जी से मेरी बात हुई थी, वर्मा जी सुपरवाइजर जी से, तो वो कह रहे थे कि भाई डीपी का जो बिल है ना 1,35,000 बिल था, तो मैंने 2 दिन में उसको 65,000 बचने दिया, यानी 75,000 रुपए जमा करवा दिए हैं सभी लोगों से, ग्रामवासियों से निवेदन कर। और वो लोग क्या मांग कर रहे थे मेरे से कि बिल तो जमा करते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 15,000 रुपए चाहिए मुझे। ये सुपरवाइजर ने मेरे से कॉल पे बोला। आपके पास रिकॉर्डिंग है उसकी? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या था रिकॉर्डिंग नहीं की। सरकार से क्या मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ बुधौन राजापुर में आदिवासी बस्ती की डीपी करीब करीब 3-4 साल से खराब है, उसके लिए कई आवेदन लगा चुके, यहाँ कोई सुनाई नहीं करता और जो भी है सुपरवाइजर किसी का कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की मांग करता रहता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन जैन है। लाइट की समस्या है आपके रायपुर में, क्या समस्या है? लाइट की समस्या सर ये है कि हमारे बुधन रायपुर में कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं, लाइट की हर दिन समस्या आती रहती है, कभी तीन की क्या समस्या ट्रांसफार्मर से, ये पूरा ट्रांसफार्मर खराब है, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और जो हम दुकानदार वर्ग के लोग हैं, दीपावली का त्योहार का समय है, बिल्कुल लाइट नहीं है और अंधेरा डला हुआ है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सर। शिकायत सर मैं गया हुआ था, हम सभी गए हुए थे, एक आवेदन भी हमने इकट्ठा किया 181 पे, जैसे कि अभी बताया राजेश जी ने,
181 पे हमने शिकायत की हुई है, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला हमें। क्या नाम है आपका? जी मेरा सुरेंद्र सिंह लोधी। तो ये ट्रांसफार्मर फूक गया है, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी हम कम से कम तीन से चार बार कम से कम खोड़ ऑफिस में गए थे, सब लोग जुड़ के 4-8 10 जने गए थे, 2-3 बार वहाँ भी शिकायत की है। इसका पहले एक पॉइंट चला गया था, एक फीस नहीं निकालती थी, तो जब आई थी जो डीपी, जब भी सर से बोला कि जे डीपी एक फीस नहीं निकाल रही, तो मैंने बोला उठवा लेंगे। जब से चलती चलती जब 2-3 महीने से पूरी ख़राब हो चुकी है, 3 से 4 महीने के करीबन होगा, अभी डिम फीस निकाल रही थी एक, जब से वो जे भी निकालना बंद कर दिया, आज कम से कम 20-25 दिन है। आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? शिकायत की थी हमने रात 181 पे भी डाल किया था, तो वो बोल रहे थे कि डीपी नंबर दो, जे नंबर दो, वो कब तक कौन से नंबर, अब इतना जानकारी तो है नहीं हमें कि कौन सा नंबर देना है। फिर सुबह भी मैंने कॉल किया था कहीं मैं अब शाम के नंबर दे देना, मैं सर मतलब रिपोर्ट लिखूंगा, ना कोई व्हाट्सएप पे हमें जोड़ा गया कि हम इसका नंबर दे सकें उन लोगों को। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आप क्या करेंगे? बस क्या करेंगे, सब 10-20 गांव हैं जो इधर क्षेत्र में, सब लोग जुड़ के आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे? चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आज शाम तक पढ़ के आ रहे हैं, अब रात में क्या क्या उजेला नहीं है, तो कहाँ से पढ़ाएंगे बताओ।